विकास और नगर निगम के नए प्रशासक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कार्यभार संभाला। स्वागत के लिए जनता एवं समर्थकों का जन सैलाब उतर गया। ढोल बाजे नगाड़े के साथ आतिशबाजी करते हुए समर्थकों ने हरे गुलाल के रंग के साथ नए प्रशासक का स्वागत किया। नगर निगम में गुरुवार के दिन अपने कक्ष में कार्यभार संभालते हुए कुल 9 सदस्य बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे, जिसके चेयरपर्सन खुद जितेंद्र तिवारी को प्रशासक के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी। आज जितेंद्र तिवारी ने प्रशासक के रूप में आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला। प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने कहा, रुके हुए कामों को पूरा किया जाएगा और सब आसनसोल के विकास और जोरों से किया जाएगा। कोविड-19 का प्रकोप यदि नहीं होता तो अभी तक चुनाव हो गया होता और चुनाव में जीत के हमारी पार्टी का ही बोर्ड यहाँ बन गया होता, लेकिन ये विडंबना है। कोविड के कारण चुनाव नहीं हो सका और ये इंट्री मैनेजमेंट है कि जब चुनाव नहीं हो पाता है तो किसी को तो डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। हम लोगों ने आज से काम शुरू किया और डेवलपमेंट जिस तरह से आगे चल रहा था उसी तरह से डेवलपमेंट का काम आगे चलते रहेगा। आसनसोल के लोगों का सपना पूरा करना ही हम सारे लोगों का उद्देश्य है और राज्य की मुख्यमंत्री का भी यही निर्देश है कि लोगों का सपना पूरा करें, वही काम हम सारे लोग एक टीम वर्क करेंगे। कितने सदस्य हैं? टोटल 9 सदस्य हैं, मुझे लेकर टोटल 9 सदस्य।